मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी में आपसी खींचतान जारी है। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात और उसके बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और कांग्रेस नेता अहमद पटेल की सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक ने प्रदेश कांग्रेस के सियासी पारे को उफान पर ला दिया है। एक और मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पीसीसी अध्यक्ष के लिए गृह मंत्री बाला बच्चन को उपयुक्त मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री प्रभुराम चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी अध्यक्ष बनाता हुआ देखना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और प्रभुराम चौधरी का। मैंने तो हमेशा रिकमेंड की है बाला बच्चन जी की, एक सीनियर लीडर है आदिवासियों और लगभग 30 एमएलए आदिवासी हमारे प्रदेश में कांग्रेस की टिकट पे जीते हैं और एक बड़ी भूमिका उनकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में है और इंजीनियर है। सिंधिया जी के बारे में मेरा सोच है कि सिंधिया जी का कद इस पद से काफी ऊपर है, बड़ा है उनका कद, राष्ट्रीय स्तर पे ही उनको और अधिकतम जवाबदारी मिलना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, ये बड़ा पद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी नहीं कहा कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ये तो हम लोग चाहते हैं या मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष अगर मध्य प्रदेश का बनाया जाता है तो कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति के साथ में, क्योंकि वे युवा हैं, तो मध्य प्रदेश को फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी और मध्य प्रदेश की जनता के लिए।